गाजी भैया वो लो सो रहा है। आप सबको प्रणाम, जय श्री राम। गौरा ने स्टार्ट कर दिया है, तो गौरा ने पहले व्लॉग स्टार्ट कर दिया है, मैं भी कर देता हूँ। तो आज तो मैं उठ चुका हूँ अभी, और बाहर बहुत ठंड हो रही है, अभी शायद धूप निकल सकती है, तो अभी देखते हैं धूप निकलती है कि नहीं। अभी अभी उठाऊँ मैं, आँखें भी नहीं खुली मेरी। तो फाइनली धूप निकल चुके है, और आज हम वापस जा रहे हैं हल्द्वानी। जाने का मन तो नहीं कर रहा, पर कल मेरा स्कूल भी है इसलिए, और ट्यूसडे को मेरा टेस्ट भी है ना। करी वापस जाएगा हल्द्वानी? आप धूप बोलिए, मून देखो, वहाँ देखो सन 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 वो है। हाँ सन है, हम ऊपर जा रहे हैं। तो अभी रेडी होते हैं। गौरा पहले ही ब्रश करने लग गई है। ब्रश करना? ला मैं तेरे को ब्रश निकाल देता हूँ। क्या तेरा ब्रश? ये रहा, लो। ब्रश कर लिया है, देखो हमारा सारा सामान गाड़ी में चला गया है, बस ये दो बॉटल्स रह रही हैं, फिर सारा सामान अंदर तो रख के आते हैं, पहले कोई ले जाते हैं। निकलने के लिए रेडी हैं, निकलने के लिए रेडी हैं। गाड़ी ये रही हमारी होंडा सिटी, और अब जल्दी से निकलते हैं, अंदर बैठते हैं। ये खोला दरवाजा और ये बैठ गए हम अंदर। दिस इज द नेक्स्ट डे। कल मैं वीडियो बना नहीं पाएगा क्योंकि कल मैं थोड़ा सा थक गया था, इसलिए तो आज आपको प्रणाम कर देता हूँ यही नेक्स्ट डे पर। आप सबको प्रणाम, जय श्री राम। तो अभी तो हमने अभी घर थोड़ा साफ करा है, और आपको दिखाते हैं कपड़े कैसे पड़े हैं हमारे पैर में। ये देखो कैसे पड़े हैं, सारे के सारे कपड़े ऐसे ही पड़े हैं। अभी देखो साफ तो मम्मी को ही करना पड़ेगा और मेरे को, और अभी मशीन में कपड़े धुल रहे हैं। अभी बनाऊं ऐसे लाइन खींचनी है, ठीक है, फिर ऐसे, फिर ऐसे बनाएगा, भी ऐसे ऐसे बनाना है। देखो इधर, देखो इधर, ये बी है ना, बी 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 फॉर एप्पल, बॉल बॉल, ए फॉर डॉल, एप्पल एप्पल, ठीक है। तो अभी आपको भी आता है, चलो मैं एक बार पकड़ो पेंसिल, चलो मैं इसको पढ़ा रहा हूँ फिर भी ढंग। तो अब मैं आपको कुछ ज्योग्राफिकल फॉर्म्स के बारे में बताऊंगा, मतलब एक मॉडल बनाऊंगा मैं, जब बनेगा तब तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। पौधे लगाए यहाँ पर साइड साइड में, थोड़े पत्थर, और ये हमने क्रैब लगाया। तो
आपको समझ में आ गया है, यह था आइलैंड। तो अब हम बनाएंगे पेनिनसुला। तो हमारा ये पेनिनसुला तैयार हो गया है। तो इसका मतलब है कि ये लैंड का एक ऐसा पार्ट है जो कि पानी से तीन हिस्सों में घिरा होता है, जैसे कि एक दो तीन, तीन हिस्सों में घिरा हुआ है और जो मेन लैंड से वो जुड़ा होता है। हमारा लेक रेडी हो चुका है। यहाँ पर टाइगर पानी पी रहा है और वैसे तो ये है डायनासोर लेकिन हम इसको क्रोकोडाइल समझ रहे हैं। और यहाँ पर हिप्पोपोटामस पानी से बाहर निकल रहा है और मंकी पेड़ पर चढ़ रहा है। अब इसको मैं आपको मतलब बताता हूँ क्या है इसका मतलब। बीच में पानी होता है और हर जगह लैंड होता है। तो ये हमारा बे, बे होता है जिसके अंदर समुद्र का पानी खट्टा होता है और इसके चारों तरफ जंगल होता है, जानवर पानी वानी पीने आते हैं। तो अब बनाया हमने इस्थमस, मतलब एक नैरो लैंड जो कि समुद्र के पानी को दो हिस्सों में बांटता है। मैंने आपको बहुत सारे ज्योग्राफिकल फॉर्म्स बता दिए हैं। अगर आपको ये सारे समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। तो गाइस आज की पूजा मैं करूँगा, तो शाम हो गई और मैं पूजा करने जा रहा हूँ। शांतकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं डाल और सिरके वाली मूली जो कि पापा लाए थे मूली, और मम्मी ने इस पर सिरका डाल दिया था, पापा ने कहा था। और मम्मी के हाथ का खाना ना बेस्ट है, बाहर के खाने ना फेल, मम्मी के घर का खाना ही ना बेस्ट है बिल्कुल। गोरा भी तो खा लिया। गोरा खाना कैसा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो इस व्लॉग को यही एंड करते हैं। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।